हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्ते में। दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करेंगे किस तरह से दोस्तों अपना एक पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और दोस्तों किस तरह से उस पेन ड्राइव के जरिए अपने पीसी में विंडोज 10 या फिर जो भी आप विंडोज यूज़ करना चाहते हो उसको किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मिलेगी, उस पर जाना है। दोस्तों जैसे आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो अपने को यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो रोपस 3.14। तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर ये रिपोर्ट 3.14 आपके पीसी में वर्क नहीं करता है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक और वेबसाइट मिलेगी, उस पर जाना होगा। दोस्तों उस पर आपको इस तरह से इसके बहुत सारे वर्जन मिल जाएंगे रिपोर्ट्स के, दोस्तों जैसे 3.14 इस तरह से बहुत सारे वहाँ पर वर्जन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों नॉर्मली आपको इस पर क्लिक करना होता है, जैसे आप वर्जन पर क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपने जरूरत पड़ेगी विंडोज़ की, तो दोस्तों अपने को विंडोज़ के ISO फाइल की, दोस्तों विंडोज़ 10 के ISO फाइल किस तरह से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिए भी एक वेबसाइट मिलेगी। दोस्तों जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आप इस वाली वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप मोबाइल में ये वेबसाइट खोलोगे तो आपके डायरेक्टली आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप पीसी में खोलोगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद में अपने को इंस्पेक्ट पर जाना है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद में अपने को यहाँ पे ये तीन बिंदियाँ रहती है, इस पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में अपने को मोर टूल्स में जाना है, मोर टूल्स से दोस्तों नेटवर्क कंडीशन पे जाना है और नेटवर्क कंडीशन पे जाने के बाद में अपने को यहाँ पे रहता है यूज ब्राउजर डिफॉल्ट। तो दोस्तों इस ब्राउजर डिफॉल्ट को यहाँ से अनचेक कर देना और यहाँ पर ब्लैकबेरी BB10 सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों ब्लैकबेरी BB10 आप सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद में अपने को पेज को रिफ्रेश करना होता है। तो दोस्तों पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये मोबाइल की तरह खुलेगा। अब यहाँ पे अपने को सेलेक्ट एडिशन पे क्लिक करके विंडोज 10 सेलेक्ट कर लेना है और दोस्तों कंफर्म पे क्लिक कर देना है। दोस्तों कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने को लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है इंग्लिश और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह के अपने को ऑप्शन मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को विंडोज 64-bit वर्जन या फिर 32-bit वर्जन आप कौन सा भी जो भी यूज़ करना चाहते हो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना यहाँ से शुरू हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने को क्या करना होता है, रोपो सॉफ्टवेयर के ऊपर अपन क्लिक करेंगे, इसको यस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करना है, पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों एक पेन ड्राइव को अपने पीसी से अटैच करेंगे अभी, तो मैं अपने पेन ड्राइव को अपने पीसी से अटैच कर देता हूँ। तो दोस्तों आपके जो उसके पेन ड्राइव की साइज जो दोस्तों अपने जो भी लगभग 8 GB तो होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि अगर यहाँ पे चेक करोगे तो मैंने पेन ड्राइव लगाए SD कार्ड 14.8 GB इसमें जगह दी हुई है। और दोस्तों जो मैंने ISO फाइल डाउनलोड कर रखी है वो वहाँ पर बता देता हूँ, तो ये विंडोज 10 21H1 ये अपने यहाँ पे लगभग 5 GB की ये फाइल है, 5.4 इस तरह से कुछ इसमें दे रखा है, 5.4 GB, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके जो PC है उसमें अब कौन BIOS है या फिर उसमें UEFI जो भी आप यूज़ करते हो तो वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर पता नहीं है तो एक बार चेक करेंगे अपन। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको ये भी चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है कि आप ISO आपके पास ISO फाइल है या फिर कोई नॉन बूटेबल फाइल है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को डिस्क और ISO इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और जो पे भी अपने ISO फाइल पड़ी हुई है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, अपने को पेन ड्राइव के अंदर वो फाइल नहीं डालनी है। अब दोस्तों एप्स के अंदर पड़ी हुई तो इसको अपन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अपने दो तरीके होते हैं, एक तो विंडोज़ 2 गो और एक स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों अगर विंडोज़ 2 गो करेंगे तो आपको जैसे आप पेन ड्राइव लगाओगे तो डायरेक्टली आपकी विंडो काम करना शुरू कर देगी, लेकिन दोस्तों थोड़ी स्लो काम करेगी लेकिन काम करना स्टार्ट कर देंगे। यानी दोस्तों आप डायरेक्टली अपने पीसी को खोल सकते हो उस विंडोज़ के जरिए, यानी उस पेन ड्राइव के जरिए। लेकिन दोस्तों अगर आप स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन करोगे तो आपको अपने पीसी में ये उस पेन ड्राइव के जरिए आप बूट इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी में। अब दोस्तों यहाँ पे पार्टीशन आपको आपके अगर आपके सिस्टम में BIOS सिस्टम है तो आप यहाँ पर MBR यूज़ करें। तो दोस्तों जैसे अगर आपके BIOS नहीं है तो फिर आप यहाँ पर GPT यूज़ करें, जिसे ये UEFI वाला
रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे MBR यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये BIOS और UEFI CSM के लिए होता है। और दोस्तों ये जो GPT होता है वो नॉन CSM के लिए रहता है, रहता तो UEFI के लिए, लेकिन नॉन CSM के लिए। तो दोस्तों मेरे PC में MBR सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे MBR पे सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे आप नेम इसका वॉल्यूम लेवल चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से आपकी इच्छा के ऊपर है। तो दोस्तों मैं फिलहाल के लिए ये रहने देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों फाइल सिस्टम आप NTFS सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में दोस्तों स्टार्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है दोस्तों, अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेगा तो यहाँ से क्लिक कर देते हैं। और यानी जो अपने PC अपने पेन ड्राइव में जो भी डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हो अपना जो पेन ड्राइव है कम्प्लीटली बूटेबल बन चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अभी फिलहाल ये ऐसा आ रहा है। दोस्तों जैसे मैं इसके ऊपर ओपन करता हूँ तो इस तरह की अपने को सेटअप फाइल इसके अंदर दिखाई देती है। दोस्तों ऐसा करते हैं, एक बार पेन ड्राइव को रिमूव करते हैं और दोस्तों दोबारा से अपने PC में लगाते हैं। तो दोस्तों ये मैं पेन ड्राइव दोबारा से लगाता हूँ। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हो इसका जो आइकन है वो चेंज हो चुका है। तो दोस्तों अब अपन क्या करते हैं, अपने PC में जो पेन ड्राइव अपन ने बूट किया है उसके जरिए किस तरह से दोस्तों अपने विंडोज 10 को अपने PC में इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए अपने अपने PC को शट डाउन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना लैपटॉप। तो दोस्तों अपन ने पेन ड्राइव को जो बूटेबल बनाया, तो दोस्तों इसके जरिए किस तरह से अपने PC में विंडो 10 को बूट करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अपने PC को स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन करते हैं। तो दोस्तों पावर ऑन होते ही जैसे अपने स्क्रीन शो होगी, तो दोस्तों अपने को ESP की दबानी है। दोस्तों प्रेस करते रहने से भी क्या होता है, कभी कभी अगर नहीं दबती है तो अपन प्रेस करते रहते हैं, तो इससे भी अपने ESP का दब जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को इस तरह से सोंगे F1, F2, F9, F10। तो दोस्तों F9 की वजह से अपने को F9 प्रेस करना था, लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए ये ऑप्शन बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको पता नहीं हो, HP के लैपटॉप में इस तरह से अपने को ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अपने को वैसे F9 दबाएंगे अपन तो बोर्ड डिवाइस ऑप्शन अपने को शो होंगे, लेकिन दोस्तों अपन यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या है कि मैं आपको BIOS के अंदर कुछ सेटिंग करके बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे अपने F10 का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, तो इसे ये रहा। तो दोस्तों मैं F10 प्रेस करता हूँ एक बार, ये BIOS आ जाता है। दोस्तों एरो की मदद से अपन यहाँ पे कुछ चीज़ें सेट करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे अपन एरो की जो अपने इधर रहती है यहाँ पे, ये 4, तो उस वाली एरो के जरिए अपन आगे जाएंगे इधर सिक्योरिटी पे, फिर मेन पे इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेज इंग्लिश रहती है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अगर इनेबल नहीं हो तो उसके ऊपर एरो के जरिए सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करें, फिर एरो के जरिए डिसेबल इनेबल कुछ भी आप इनेबल रखें वैसे, तो फिर एरो के जरिए नीचे जाएंगे बूट ऑप्शन पे। यहाँ पे दोस्तों बूट ऑप्शन पे अपने को एक तो ये इंटरनेट नेटवर्क एडेप्टर बूट होता है, इसको इनेबल कर लेना है। और दोस्तों आप ऊपर वाले को भी देख सकते हो CD-ROM बूट, इसको भी यहाँ से इनेबल कर लेना है। और दोस्तों लेजेसी सपोर्ट होता है, इसको भी इनेबल कर लेना है। दोस्तों ESP के जरिए अपन बैक पे आ जाते हैं। दोस्तों ESP बटन यहाँ पे वैसे दे नहीं रखा है इसमें, लेकिन ESP दबाना पड़ता है अपने, इससे बैक पे आ जाते हैं। दोस्तों मेन के अलावा यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, तो यहाँ पे वर्चुअल फैन ऑलवेज ऑन, तो दोस्तों इसको भी यहाँ से इनेबल रखना है। एक्टिव की मोड होता है, ये भी दोस्तों जो अपने F1 से लेकर के F12 तक की जो की रहती है वो विदाउट FN की के काम करते हैं। अगर इसको दोस्तों आप डिसेबल रखोगे तो आपको जो ये जो फंक्शन की होती है इनको दबाने के लिए पहले आपको FN की दबानी पड़ेगी, उसके बाद में F1 जैसे आपको F1 दबाना है तो F1 काम करेगा। तो दोस्तों अगर आप इनेबल रखते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको F1 F2 F3 इस तरह की दबानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सेटिंग थी मेन। तो अपने क्या है दोस्तों, नेटवर्क अडेप्टर होता है, अगर वो बूट नहीं होता है तो फिर अपने लास्ट में दिक्कत आती है अपने PC में, इसलिए अपने जो बूट ऑप्शन में जाके और अपने जो इंटरनेट नेटवर्क अडेप्टर होता है इसको इनेबल कर ले, यहाँ से इंटरप्रेस करके डिसेबल से इनेबल कर ले। दोस्तों इंटरप्रेस करना होता है अपने को, यहाँ पे आप इंटर चेक करोगे तो यहाँ से जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एरो की के जरिए और इंटरप्रेस कर लेते हैं। दोस्तों अभी मैंने फिलहाल सभी इनेबल कर रखे, तो बस आपको फिर सेव एंड एग्जिट करने के लिए F10 प्रेस करना होता है। और यहाँ पे आप ऑप्शन और भी चेक कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको F10 दबाना होता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं बैक में आ जाता हूँ ESP के जरिए और फिर बैक में आ जाता हूँ ऐसे फिलहाल अपने इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें दोस्तों अपने PC को वापस से
ऑफ कर देता हूँ पावर ऑफ। तो दोस्तों अभी अपन देखेंगे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे अपन पावर ऑन करेंगे तो अपने को F9 की दबानी है, थोड़ा जल्दी मेरे को प्रेस करनी पड़ेगी, तो मैं इसको एक दो बार दबाया जाता हूँ। तो दोस्तों ये दबाया मैंने, अब चेक करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप चेक करोगे इस तरह के ऑप्शन अपने को यहाँ पे शो मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा USB हार्ड ड्राइव। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसका नाम भी आ रहा है जैसे जेनरिक स्टोरेज डिवाइस। तो जैसे इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद में अपने को एंटर प्रेस कर देना है, फिर अपने को कोई भी की दबा देनी है एक। अब दोस्तों ये इस तरह से आता है, अभी दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों अभी चेक कर सकते हो इस तरह से कुछ शो हो रहा है। तो अब इस तरह से ये कुछ शो होगा अपने को डायलॉग बॉक्स। तो दोस्तों आप यहाँ पे चेक करोगे ये लैंग्वेज टू इंस्टॉल और टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट कीवर्ड ऑन इनपुट। तो दोस्तों ये आप यहाँ से चेक कर ले इस तरह के जो भी आप रखना चाहते हो, दोस्तों जो भी आपकी लैंग्वेज है और जो भी आप करेंसी टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट किस में रखना चाहते हो, उसके बाद में कीवर्ड और इनपुट मेथड आप यूज़ करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो। फिर यहाँ पे अपने नेक्स्ट का ऑप्शन रहता है, तो मैं माउस के जरिए नेक्स्ट पे जाऊँगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद में अपने को बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपने को जो मेन पार्टीशन होता है जो जिसमें अपने ड्राइव पहले से कोई विंडो इंस्टॉल है तो उसके अंदर उसको इंस्टॉल नहीं करना है। तो अभी इस तरह से कुछ आ रहा है सेटअप इज स्टार्टिंग। तो यहाँ पे अपने को लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं कि अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज एंड की फाइल्स सेटिंग्स एंड एप्लीकेशन, और यहाँ पे दूसरा रहता है कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली। तो दोस्तों ये एडवांस वाले पे जाएंगे अपन। तो यहाँ पे दोस्तों अपने को पार्टीशन शो होते हैं। दोस्तों जैसे मेरा पहला पार्टीशन है तो इसमें मेरे विंडोज 10 है जिसमें अपन ने अभी जो बूटेबल बनाया है। दोस्तों सेकेंड पार्टीशन हो रहा है अपने जिसमें 742 MB। तो दोस्तों ये भी अपने यहाँ पे काम नहीं करेगा। दोस्तों तीसरा पार्टीशन है जिसमें अपने 415 GB इसमें साइज है इसकी। तो मैं चाहूँ तो इसको तीसरे में इसे तीसरे पे सेलेक्ट करता हूँ और फिर अपने को कुछ भी नहीं करना होता है, नेक्स्ट करना होता है दोस्तों। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको एक और पार्टीशन अलग से क्रिएट कर लेना है। और दोस्तों भूल कर भी अपने को जिसमें अपनी विंडोज होती है उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट नहीं करना है। सो ये गलती करोगे तो आप अपने जो विंडोज़ होगी उसको ही करप्ट कर लोगे, यानी कहने का मतलब हमने जो पहले से जो विंडोज़ अपने पीसी में इंस्टॉल है उसको करप्ट कर लोगे। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद में अपने जो बूटेबल की प्रोसेस होगी वो शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय। और दोस्तों इसी से रिलेटेड और भी कोई जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।